Hello friends, welcome to Excelism, the power to think beyond. We are back again with yet another video on Excelism. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो का कंसेप्ट क्या है, मैं एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ब्रीफली कि आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा ना, आप इनिशियल लेवल में हैं एक्सेल सीखने के और आप यूट्यूब से सीख रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो होगा, बट ये स्ट्रगल बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा थोड़ा नोट्स रोज़ बनाएं, एज इन नहीं दो पेज का नोट्स नहीं, सिर्फ तीन चार लाइनों का नोट्स कि आपने हर पाँच मिनट के वीडियो में क्या नए शॉर्टकट सीखे और क्या नई चीज़ सीखी, बस इतना लिख लीजिए आप, जिससे फ्यूचर में आपके लिए रेफरेंस रहेगा। और कोई सर्टिफिकेशन कोर्स तो है नहीं, सब आप पे खुद पे डिपेंडेंट है, तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप हल्का का नोट्स बनाएं इसमें। अगर आपका सर्टिफिकेशन करते तो भी आप नोट्स बनाते ना, तो प्लीज़ इसमें भी वो डेडिकेशन, वो सिंसियरिटी लाइए। तो आज के इस वीडियो का नाम है एडवांस्ड फिल। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा फिल के बारे में बात करी थी कि किसी चीज़ को ऐसे फिल करना हो, कॉपी करना हो, तो आप यहाँ पे प्लस सिंबल का वेट करेंगे और इसे कॉपी कर देंगे टू वेरियस सेल्स। इसमें एक्सेल ने कोई सीक्वेंस आइडेंटिफाई नहीं किया, खाली ड्रैग डाउन किया और फिल किया। अब अगर 10, 20 ये जो डेटा है उस पर एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करती है या नहीं करती है एक्सेल? ये कर रही है। एक्सेल इज स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई अ सीक्वेंस बिटवीन दीज टू सेल्स कि 10 का गैप है तो मेरे को आगे भी जो आउटपुट प्रोड्यूस करना है उसमें 10 का गैप होना चाहिए। वैसे ही 1, 3 वाले में आउटपुट यही और नंबर्स जाने चाहिए क्योंकि 1, 1 का गैप है। ये तो चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल या एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप का है कि भाई ये सीक्वेंस रिपीट करने वाला है। ये क्यों हो रहा है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ? जो वीक्स है और मंथ्स है वो भी रिपीट हो रहा है ऐसे डाउन करने से? रिपीट नहीं हो रहा एग्जैक्टली, बट जनवरी, फरवरी, मार्च एक सीक्वेंस अपने आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक लिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एक्सेल अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डिफॉल्ट लिस्ट चला के रखा है उन्होंने, जैसे ये वाला हुआ मंथ का, वीकली डेज का हुआ, ये सब लिस्ट एक्सेल के डिफॉल्ट लिस्ट में ऑलरेडी सेट है और हम कस्टमाइज करके अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं। अगले सेक्शन में उसकी बात करेंगे इसी वीडियो में। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सपोज करो यहाँ पे जैन लिख रहे हो, नाउ यू वांट कि आप इसे कॉपी करो, आपको जैन कॉपी करना है, जैन हर जगह, बट ये तो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेगा, देन हाउ वुड यू डील विथ इट? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ब्रॉड वाला जो डॉक्टर सिंबल है उसका वेट करना है और जहाँ आपको कॉपी करना है वो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया आपने, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एक फिल का ऑप्शन है, अगर आप फिल डाउन करोगे तो डाउन में फिल हो जाएगा और फिल राइट में करोगे तो राइट में फिल हो जाएगा। तो इससे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल डी डाउन फिल, कंट्रोल आर राइट फिल, सो सिंपल इज इट। अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि कस्टमाइज लिस्ट कैसे बनाएं। ये जो जनवरी फरवरी वाली लिस्ट है, मंडे ट्यूजडे वाली लिस्ट है, तो डिफॉल्ट लिस्ट है। तो अगर आपको कोई कस्टमाइज लिस्ट बनानी है, फॉर एग्जांपल स्टेट्स की, इंडियन स्टेट्स की आपको लिस्ट बनानी है अगर, तो आप क्या करेंगे? फाइल टैब में जाएंगे, मोर ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन आ रहा है और नीचे ड्रैग डाउन करेंगे जब तक आपको जनरल ना मिल जाए। जनरल में यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट्स का, इसमें देखिए काफ़ी सारे लिस्ट ऑलरेडी फीडेड है, मंडे ट्यूजडे वाली जो हम आइडेंटिफाई कर ही रहे थे, ये आप सब आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपको न्यू लिस्ट डालनी है तो आप न्यू लिस्ट सिलेक्ट कीजिए, लेट्स से इंडियन स्टेट्स की हम बात करते हैं अगर, तो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एट्सेट्रा एट्सेट्रा हमने डाल दिए और इन्हें ऐड कर देते हैं न्यू लिस्ट में, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, खाली इतना ही हम देखते हैं। ओके किया, क्रॉस किया, तो अगर मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल लिखूँ, और इसे ट्रैक डाउन करूँ तो मेरे को आगे आउटपुट मिलना चाहिए अपने लिस्ट का, और मेरे को मिल भी रहा है। और अगर कोई और रैंडम स्टेट का नाम डालता मैं यहाँ पे और ड्रैग डाउन करता तो ये लिस्ट नहीं मिलती मेरे को। तो आप अपनी कस्टमाइज लिस्ट भी एक्सेल में फीड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने नॉर्मली फिल ड्रैग करना सीखा जिससे आप कॉपी कर सकते हैं वेरियस सेल्स में। फिल ड्रैग किया हमने मंथ का और कुछ रैंडम सीक्वेंसेस का, फिर मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज लिस्ट कैसे बनाते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी वो है कि
अगर आपको कोई चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है जो एग्जिस्टिंग लिस्ट में है, तो आप उसको डाउन फिल या राइट फिल से कैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एडवांस फिल की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन एक्सेल। थैंक यू सो मच।